मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार को भी बारिश का दौर जारी रहा, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के 26 जिलों में बारिश हुई। इस भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पे बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश हुआ, 25 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ खरगोन में 86 मिलीमीटर, 5 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है। ईस्ट एमपी में देखा गया तो स्कैटर्ड रेनफॉल हुआ, 21 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर में हुआ, 73 मिलीमीटर। और टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो वेस्ट एमपी में ग्वालियर में 36.3 डिग्री दर्ज किया है और ईस्ट एमपी में सबसे अधिकतम तापमान चटकपुर में 39.8 डिग्री दर्ज किया है। राजधानी भोपाल के आसपास के सभी डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे जल स्तर को नियंत्रित किया जा सके। महादेव पानी में वाटरफॉल भी उफान पर है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सांची में भी बाढ़ की स्थिति देखी गई है। मंगलवार को खरगोन में 88 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 26 जिलों में सबसे अधिक है। कल थोड़ा इंटेंसिटी सिस्टम एक्टिव हुआ है, जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड में है वो थोड़ा वेस्ट की तरफ मूव होने का चांसेस है। तो ईस्ट एमपी में मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, हिंदौरी, मंडला, बालाघाट ये रीजन में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और शिमली, जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे सतना, रीवा, हबीबगंज, सिंगरौली ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है कल। और वेस्ट एमपी में देखा गया तो बैतूल, खरगा, नर्मदापुरी में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल का चांसेस है कल के लिए। 1 तारीख को देखा गया तो सिस्टम और एक्टिव हो रही है और वेस्ट की तरफ मूव हो रही है, तो मोस्टली वो ईस्ट एमपी और सेंट्रल एमपी के काफी रीजन में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी ईस्ट एमपी का मोस्टली सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने दिया है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग। मौसम वैज्ञानिक सोनू रघुवंशी ने बताया कि आने वाले समय में निम्नलिखित जिलों में बारिश और तूफान की संभावना है। बिजली के साथ मध्यम तूफान रायसेन, सिवनी, ग्वालियर, उत्तरी शिवपुरी, पूर्वी श्योपुर कलां, मुरैना, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़। बिजली के साथ हल्की आंधी और बारिश पश्चिमी श्योपुर कलां, दक्षिणी शिवपुरी, भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर, भोपाल, बैरागढ़, राजगढ़, विदिशा, सागर, सीहोर, खंडवा, निवाड़ी, पन्ना, सतना, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, सीधी। रात के समय बारिश सिंगरौली, मऊगंज, उमरिया, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, दतिया ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का वार्निंग है 2 तारीख के लिए और 3 तारीख को भी यही सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, मोस्टली वो वेस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो वेस्ट एमपी और ग्वालियर चंबल का मोस्ट रीजन में मोस्ट प्लेसेस में बारिश का चांसेस है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेवी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन में भी ईस्ट एमपी में निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा ये रीजन में ऑरेंज अलर्ट दिया है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर, शिवनी और बालाघाट रीजन में येलो अलर्ट दे रही है और ईस्ट वेस्ट एमपी का भी शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, रायसेन और सीहोर ये रीजन में ऑरेंज अलर्ट में जा रही है और ईस्ट वेस्ट एमपी का बाकी रीजन राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता ने जहां एक और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी है, वहीं दूसरी ओर यह किसानों के लिए राहत की खबर भी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम विभाग की जानकारी पर ध्यान दें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा और लोग सामान्य जीवन की ओर लौट सकेंगे।